देवी और सज्जनों, देश में विकास की अनुपम परिकल्पना के साथ एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का ये अभियान आज 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के माध्यम से विकास की नई तस्वीर उकेरने जा रहा है। देवी और सज्जनों, और अब मैं हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी से सादर अनुरोध करूंगी कि कृपया शॉल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य जी, महाभारत के शूरवीर योद्धा, प्रेरक गुरु की प्रतिमा स्मृति चिन्ह स्वरूप भेंट की जा रही है। पंच धातु के लेप से निर्मित है ये प्रतिमा। गुरु द्रोणाचार्य की कर्म भूमि में आचार्य द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत आभार। सर्वविदित प्रज्वलित जन प्राण नव भारत का निर्माण, आत्मविश्वासी अलौकिक जन देश का यशकार, राष्ट्र वंदन राष्ट्र नमन। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री तथा गुरुग्राम से आपके प्रिय सांसद माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी तथा समस्त अतिथिगण का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय गवर्नर साहब, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पिछले एक महीने के दौरान हरियाणा के अंदर दूसरी बार आगमन हो रहा है। आज से कुछ समय पहले रिवाड़ी के गांव माजरा के अंदर एम्स का शिलान्यास करने के लिए आप पधारे थे और आज गुड़गांव के अंदर जो हरियाणा का सबसे विकसित शहर माना जाता है, सबसे डेवलप्ड शहर माना जाता है, आज आप यहाँ पधारे हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जो आंख बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे भी प्रांत के अंदर आए। प्रधानमंत्री की दूसरी पारी बतौर प्राइम मिनिस्टर तकरीबन खत्म होने को आ रही है और तीसरी पारी की तैयारियां देश भर के अंदर चल रही हैं। कोने कोने से मांग प्रधानमंत्री की हो रही है, लेकिन शायद ये सौभाग्य सिर्फ हरियाणा को है कि एक छोटे से प्रांत के अंदर नरेंद्र भाई एक महीने के अंदर दो बार पधारे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों जलसे गुड़गांव लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि इनका स्वागत करने के लिए दोबारा से मुझे ये अवसर मिला है। नरेंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री गुड़गांव से परिचित हैं, यहाँ पर समय बिताया है और जानते हैं कि आज के दिन गुड़गांव हरियाणा के कोष के अंदर सबसे अधिक राजस्व जमा करने वाला एक ज़िला है। हरियाणा के अंदर आज के दिन सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर कहीं पर है तो गुड़गांव के अंदर है। सबसे ज़्यादा अगर सर्विसेज का हेडक्वार्टर है तो वो गुड़गांव के अंदर है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज अगर हरियाणा के अंदर अगर है तो वो गुड़गांव के अंदर है। लेकिन आज के दिन
पिछले 10 सालों के अंदर जो गुड़गांवा की साख को चार चांद लगे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगे हैं। और मैं, हालांकि मुझे थोड़ा ही समय मिला है बोलने के लिए, इसके बारे में एक मिनट के अंदर जिक्र करना चाहता हूं कि ये गुड़गांवा जो यातायात की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भीड़ भड़के के अंदर फंसा रहता था, आज के दिन गुड़गांवा की सरहद से गुजरने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडवेज के प्रोजेक्ट हैं उसका मैं हवाला केवल देना चाहता हूं, बाकियों का मैं आज नहीं दूंगा। सबसे पहले देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे जो गुड़गांवा की सरहद से गुजरते हुए राजस्थान से होते हुए बम्बई तक जाता है और जो आज के दिन राजस्थान तक, दौसा तक मुकम्मल हो चुका है, सबसे पहले तो ये सौगात हरियाणा को और गुड़गांव को नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने दी। 1,00,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। दूसरा, जो हमारा अल्पसंख्यक क्षेत्र है हरियाणा का, नूह जिला, गुड़गांवा से सोना, सोना से नूह जिले के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक एलिवेटेड जो हाईवे इन्होंने हमको प्रदान किया है मेवात तक जाने आने के लिए, आज के दिन ये व्यवस्था बन गई है कि सरपट गाड़ियां इसके ऊपर दौड़ती हैं। तीसरा मैं जिक्र सिर्फ करना चाहता हूं, गुड़गांवा, रेवाड़ी, पटौदी और नारनौल का जो ये नया हाईवे बनाया गया है इसके ऊपर 2700 करोड़ रुपए खर्च करके आज के दिन काम होने लग रहा है। लेकिन अजूबे की बात जो मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं कि आज के दिन आप उद्घाटन करने जा रहे हैं जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का, शायद ही हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का कोई एक्सप्रेसवे बना होगा जिसके अंदर चार टीयर पे, मतलब चार मंजिले के ऊपर, चार जगह के ऊपर यातायात चलना फिरना शुरू करेगा आज से। ये अजूबा 10,000 करोड़ के खर्च होने के बाद गुड़गांवा के अंदर आने जाने का साधन एक बढ़िया तौर के ऊपर बन जाएगा। मोदी जी, सब जानते हैं हम जो भी उपस्थित यहाँ पे हैं, चाहे स्टेज के ऊपर हैं चाहे यहाँ सामने की तरफ बैठे हुए हैं, कि हरियाणा के प्रति हमेशा आपका रुझान रहा है। आप तीसरी पारी के लिए अब तैयारी करने लग रहे हैं। हम ये आशा करते हैं हरियाणा वाले, हम ये आशा करते हैं गुड़गांव वाले, कि जिस तरह की आप लोगों ने और आपकी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा की तरक्की करी है, आने वाली पारी में भी जब तीसरी बार आप यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी तरह से आपकी नजर इनायत हरियाणा के ऊपर बनी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। देवी और सज्जनों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके ही विजन को वास्तविकता के धरातल पर साकार करने में जुटे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, उप मुख्यमंत्री जी, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, सभी मंच पर अधीन सांसदगण, मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सब के सामने एक उद्दिष्ट रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है
उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनेल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर चार चार लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिज़ाइन है। और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है, और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। और मुझे खुशी है कि एस्टिमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इस प्रोजेक्ट को देखकर फिर आप इसका उद्घाटन करिए। उन्होंने समय दिया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एक एक बारीक बातों को देखा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ आज 1,00,000 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्ट्स जिसका शिलान्यास या जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं जब पहले कहता था कि हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, पर मुझे बीच में कुछ अमेरिका के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपत्ति है। तो मैंने कहा क्या गलती हुई है, तो उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा है, ये बात को उन्होंने सर्टिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली हमारा सबसे प्रदूषण मुक्त और ट्रैफिक जाम का शहर है। सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल हुई है और इसलिए हमने दो निर्णय किए थे कि हमारे ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने तैयार किए और उसके कार्य का भी शुभारंभ किया। आज मुझे कहते हैं कि वे बहुत खुशी हो रही है कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिसंबर के अंदर पूरे 65,000 के प्रोजेक्ट पूरे होंगे और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। केवल दिल्ली को नहीं तो हरियाणा को मिलेगी। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है इसमें हरियाणा के जितने रोड है उसको भी हमने अच्छी तरीके से बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में जो UR2 था रिंग रोड दिल्ली का, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। 3 महीने के अंदर आगे प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भी उद्घाटन हम करेंगे, जिसके कारण ये पूरे गुड़गांव से धौला कुआ तक जाने वाला जो रोड है इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, यहाँ से लोग जिनको एयरपोर्ट जाना है वो पानीपत के बाद तुरंत UR2 पर आएंगे और केवल 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे इस द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचकर एयरपोर्ट के नीचे जो एयर स्ट्रिप है उसके नीचे से टनल लगभग पूरी हुई है। जून तक उसका उद्घाटन होगा। T2 और T3 तक चले जाएंगे और जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे वो केवल 0.5 घंटे में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टनेल बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उनमें से भी अलग है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और समाधान का विषय है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। UR2 में करीब 30,00,000 टन से ज़्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसके अनुरूप अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं।
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये रोड बनाते समय 12,000 पेड़ ऐसे थे जो तोड़ने की परमिशन हमको मिली थी, पर हमने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको जिंदा रखा है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं होता। उनके ही मांग पर इस कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे दिल्ली के MP विदुड़ी जी और दूसरे भी हमारे सभी मंत्री विधायक सांसद, इन्होंने इसमें काफ़ी अड़चनें आई थी और उन सब अड़चनों को दूर करने में उन्होंने भी बहुत मदद की। यहाँ हरियाणा के भी मंत्री MLA सबका बार बार सहयोग मिला और रात दिन काम चला और एक देश का अभिमान हो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ। फिर से एक बार हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। देवी और सज्जनों, हरियाणा राज्य में डबल इंजन की सरकार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रही है, जिससे हरियाणा वासियों का जीवन भी सुगम हो रहा है। और अब मैं हरियाणा के लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से सादर विनती करती हूं कि अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी। देश के 130 करोड़ लोगों की दिलों के धड़कन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, हरियाणा के राज्यपाल महोदय, सड़क परिवहन मार्ग के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्रीगण राव इंद्रजीत जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, अन्य सभी सम्माननीय मंच उपस्थित, गुरुग्राम में आज इतनी बड़ी संख्या में पधारे हमारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की 2,82,06,995 के सदस्यों का की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकटता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो, जैसा आदरणीय गडकरी जी ने बताया, हमने मांग की थी कि गुरुग्राम का जो हाईवे है, जयपुर हाईवे, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए एक बाईपास के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे ये बना दिया जाए। इन्होंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा, हमको ये अनुमान नहीं था जो आज स्वरूप देख रहे हैं। एक सामान्य बाईपास निकलता है तो मैंने भी कह दिया कोई 200-300 करोड़ रुपया लग जाएगा, नेशनल हाईवे की ओर से इतनी सहायता हमारी हो जाए हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट का बनाया गया और बनने के बाद ये तैयार होकर के आज जैसा माने प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों ने भी उसका अवलोकन किया, तो वास्तव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल गुरुग्राम, न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत के सब राज्य, दक्षिण भारत के सब राज्य, पश्चिम के हिस्से के लोग, चाहे एयरपोर्ट आना जाना हो दिल्ली से बाहर बार, चाहे हमको जयपुर जाना हो, मुंबई जाना हो, इसका एक बहुत बड़ा उपयोग। और ऐसा प्रोजेक्ट जैसा वर्णन किया है हमारे नितिन गडकरी जी ने, इस प्रोजेक्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आज बहुत मैं आपके आगमन पर, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जगभर आगमन हुआ हरियाणा में, हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है, उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देशभर में आपने शुरू कराया, वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ, वन रैंक वन पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, पानीपत से
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर ये भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और चार बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो अम्बाला से शामली का हो, अथवा अम्बाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी ये एक सड़क का भी एक हाईवे के नाते से इसके भी उसके भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। तो आपके आगमन पर जो हरियाणा के विकास, चाहे पिछले दिनों में एम्स की बात हो अथवा उससे पहले भी, चाहे हमारे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, केएमपी और केजेपी उसका भी लाभ हमको यहाँ मिल रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि हरियाणा में विकास की एक बहार, विकास की एक गाथा ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सभी विभागों ने जो हमें कृपा की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। न केवल हरियाणा में बल्कि देश के अंदर भी बड़े बड़े जो एक प्रकार से मापदंड खड़े किए जा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से फ्रेट कॉरिडोर हो, और चाहे हमारे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर अटल सेतु जो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर, या पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। अब कभी हम सुनते थे दुनिया में कि अंडर वाटर जो ट्रांसपोर्ट सेवाएं, वो भी कोलकाता में जो आपने कार्यक्रम करके दिखाया, हमने दुनिया के अंदर अपना उत्साह प्राप्त किया। न केवल विकास बल्कि देश को सांस्कृतिक आधार पर भी दुनिया में अपना स्थान दिलाने के लिए, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी के मंदिर की बात हो अयोध्या में, अथवा अबूधाबी में भी भगवान श्री राम जी का मंदिर है, उसको भी हमारे देश की संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, इसका पूरा श्रेय वो आपको जाता है। मान्यवर, मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, आबादी हमारी देश की आबादी के मात्र 2% है, एरिया 1.5% है, लेकिन हम देश की GDP में अपना जो योगदान है वो डबल यानी 4% देते हैं। हरियाणा की अपनी विकास दर मैन्युफैक्चरिंग में आज 10% के आसपास ये आंकी जाती है। इस प्रकार से हम हरियाणा की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपने मोदी जी गारंटी नाम से देश भर के लोगों में अपना एक भरोसा ये जताया कि देश की जनता जिस प्रकार की उनकी जरूरतें होंगी आप पूरा करेंगे। मैं हरियाणा की जनता से की ओर से आपको यह आभास, आपको एक प्रकार से मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में हम अपनी हरियाणा की भूमिका, जैसे पहले 10 में से 10 सीटों का परिणाम हमने दिया था, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीत करके और हम आपकी झोली में डालेंगे, और बड़े मार्जिन से, पहले से अधिक मार्जिन से हम आपको एक परिणाम ला करके देंगे। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर बनाए रखें, यही निवेदन करते हुए आपका पुनः हरियाणा की धरती पर आप मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्य सरकार के विकास, आम जन के जीवन को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता को लेकर आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, आज बहुप्रतीक्षित द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड समेत देश के 16 राज्यों की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर विनती करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर कुल 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करें। और आइए अब इन 114 परियोजनाओं पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक वीडियो फिल्म।
140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, जिनके लिए वे दिन रात बिना थके बिना रुके नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ काम करते हैं। बीते 10 साल सेवा, समर्पण और संकल्प के रहे हैं, जिसमें देश ने रिकॉर्ड निवेश के साथ अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। रोड, रेल, एयर, वाटर, हाईवे, हर कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत होते देखा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 563 लेन किलोमीटर होगी। इस पर 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल, सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से IGI एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। 112 परियोजनाओं में शामिल हैं नरेंद्रपुर से पूर्णिया खंड, जिसके लोकार्पण से यहां आवागमन बेहतर होने के साथ ही यहां की उपज जैसे कि मखाना, जूट व मक्का की मंडियों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। चंडीगढ़ रूपनगर मंडी मनाली कॉरिडोर के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक खंड तक 4 लेन के लोकार्पण से हिमाचल के सेब को पूरे देश की मंडियों तक तेज ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज का भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके पूर्ण होने से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा। लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज पहुंच होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने वचनों कार्यों से लिख दिया नया इतिहास, जनगण की आशाओं में फिर जगा नया विश्वास, मन वचन कर्म से सदैव भारतवासियों की सेवा में तत्पर रहने वाले, व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित, संपूर्ण देश को अपना परिवार मानने वाले, भारत को विकास और प्रगति का पर्याय बनाने वाले देश के सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि आज के सुअवसर पर अपने सुवचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्र में मेरे
वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव इंद्रजीत सिंह, किशन पाल गुजर जी, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में मेरे साथी नायब श्री सैनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था, दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए,
आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य है, पूर्व में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी, मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे, टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा, यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित हरियाणा विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए, इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्त, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है जी। साथियों, इसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर में होलिस्टिक विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने का टारगेट रखा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। और कोविड के 2 साल के संकट के बीच देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 वर्षों में 230 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइनें शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सोहनास पर जैसी परियोजनाएं भी निर्माण के अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं से यातायात तो आसान होगा ही, साथ ही दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। साथियों, विकसित होते भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी, दोनों
आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है, तो गांव में अनेक नए अवसर लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग कोई भी नया अवसर खोजने शहर तक चले जाते थे, लेकिन अब सस्ते डेटा और कनेक्टिविटी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांवों में ही नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है। जब अस्पताल, शौचालय, नल से जल और घरों का रिकॉर्ड गति से निर्माण होता है, तो सबसे गरीब को भी देश के विकास का लाभ मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों को प्रगति की संभावना अनगिनत अवसर लेकर के आती है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं, और लोगों की इसी प्रगति की शक्ति से हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएगा, और इससे उतने ही ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के भी मौके बनेंगे। इस स्केल के इंफ्रा को बनाने में, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील जैसे उद्योगों को बल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां स्किल युवाओं के लिए लाखों रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से टू व्हीलर और फोर व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है, और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है।
इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती है, और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के छोटे छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के गांव गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं, और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। इन कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। ये काम विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप सभी को
इस विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप मेरा सपना है 2047 तक हमारा देश विकसित होकर रहना चाहिए। आप सहमत हैं? देश विकसित होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमारा हरियाणा विकसित होना चाहिए? ये हमारा गुरुग्राम विकसित होना चाहिए? ये हमारा मानेसर विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का गांव गांव विकसित होना चाहिए? तो विकास के उस उत्सव के लिए आइए मेरे साथ, अपने मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये विकास के उत्सव को इनवाइट कीजिए। आप चारों तरफ मंच पर भी मोबाइल फोन वाले जरा चारों तरफ जिन जिन के पास मोबाइल है हर एक के मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चले। इस विकास का उत्सव है ये, विकास का संकल्प है ये, ये आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प है, जी जान से जुटने का संकल्प है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत